हरमाड़ा में चाकूबाजी एक छोटा बनाया तो दोस्त ने चाकू से काट दिया। गाल पर दो और गले पर एक वार कर फरार हो गया दोस्त। खून से सनसनी हालत में घायल को लोगों ने कराया अस्पताल में भर्ती। 7 दिन में चाकूबाजी की तीसरी वारदात। मामूली बातें, राजस्थान में चाकूबाजी की तीसरी घटना सामने आई है। एक सप्ताह के दौरान आई इस तीसरी वारदात में घायल युवक को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पर्चा बयान के आधार पर उसने अपने ही दोस्त पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कराया है। जांच हरमाड़ा पुलिस कर रही है। पुलिस ने बताया कि राहुल और हंसराज नाम के दो युवक मूल रूप से झोटवाड़ा स्थित लता सिनेमा सर्किल के नजदीक रहते हैं और वर्तमान में हरमाड़ा थाना क्षेत्र में स्थित एक कंपनी में बैरिंग बनाने का काम करते हैं। शनिवार रात करीब 10 बजे के बाद राहुल हंसराज हरमाड़ा में स्थित गोड़ों की ढाणी के नजदीक सुनसान जगह में बैठकर शराब पी रहे थे। हंसराज पेट बना रहा था और राहुल को दे रहा था। हंसराज ने पुलिस को बताया कि उसने गलती से राहुल का पेग अपने से छोटा बना दिया। इसी बात पर विवाद हो गया। उसने मारपीट करने की कोशिश की तो हंसराज वहां से भाग गया। राहुल उसके पीछे दौड़ा और 2 बार गले पर चाकू से वार किया और फिर गले पर वार कर फरार हो गया। वहां से गुजर रहे रवि शर्मा नाम के एक युवक ने हंसराज की हालत देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंची और हंसराज को अस्पताल में भर्ती कराया। पूरी रात राहुल की तलाश की जा रही है लेकिन वे पुलिस को नहीं मिला। गौरतलब है कि इससे पहले जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र में रवि सिंधी नाम के एक युवक ने एक अन्य युवक के गले और पेट पर चाकू से वार किया था। युवक अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। 2 दिन पहले गलता गेट थाना क्षेत्र में भी रुपयों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में चाकूबाजी हुई थी। इसमें एक युवक की मौत हो गई थी और अन्य गंभीर घायल है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।